अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? यार आज छुट्टी का दिन था, फ्राइडे था, मैं आउटिंग में आया था, सदाब भाई ने बुलाया था तो इधर ही आया था। हम लोगों ने पार्टी सार्टी करी, वो ब्लॉग वाला वीडियो भी चैनल पे पड़ा हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। बहरहाल मैं इस वीडियो में मेरे जितने भी भाई हैं सबसे थोड़ा बात करूँगा और इनका जो एक्सपीरियंस है सऊदी अरब का ओवरऑल वो शेयर करूँगा, आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, ताकि जो लोग आना चाहते हैं सऊदी अरब उनको थोड़ा सा हेल्प मिले इस वीडियो में। तो बहुत सारे मेरे भाई हैं, सबको मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहले तो ये हमारे वकील भाई हैं, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये हमारे सदाब भाई हैं, ये सलाम अलैकुम सबको। ये फहीम भाई हमारे, सलाम अलैकुम। ये हमारे राहत भाई हैं, सलाम अलैकुम। ये फयाज भाई हमारे, अस्सलाम अलैकुम। और इधर है हमारे अजमल भाई, सलाम अलैकुम। ओके, तो ये मैंने सबको इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब एक एक करके मैं बात करूंगा सबसे, आप लोग इनके बारे में थोड़ा बहुत जानो। तो वकील भाई जी, आप अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, यहाँ पे क्या काम करो, कितने साल से हो भाई? सर जी हमें इधर 3.5 साल हो गए। 3.5 साल, कहाँ से हो आप? यूपी, इंडिया। यूपी से? यूपी। यूपी किधर से हो सकता है? उधर से कोई बंदा देखता वीडियो। हापुड़ से? जिला हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर। तो यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो? यही सर जी, ड्राइवरी का काम करते हैं। कैसा मजा आ रहा है सराको कंपनी में? बस अल्हम्दुलिल्लाह सही है। सही है ना? हम तो ये कहें कि जो भी हमारे बंदे आ रहे हैं उधर से, जो भी हमारे भाई लोग आ रहे हैं, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, तो अल्लाह करे उन्हें सही जगह, बेहतरीन जगह मिला है कि परेशान ना हो इधर बंदा आकर। बहुत थोड़ी उधर जो है, फिर भी यह है एजेंट जो है आजकल ज़्यादा इधर उधर बंदों को फंसते हैं वो, है ना, तो थोड़ी जानकारी हासिल करे पहले, उसके बाद में थोड़ा कदम आगे को बढ़ाएं। कोई ऑफिस इधर आए? कोई ऑफिस का आइडिया है? ऑफिस का बम्बई में कई ऑफिस हैं सर जी, और दिल्ली में भी हैं। दिल्ली से अच्छा है कि आदमी सीधा बम्बई जाए, बम्बई से काम कराए, सस्ता में काम हो जाए, सस्ते में काम होएगा और काम एक नंबर होएगा। उधर एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो उधर पैसे देने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, तो हम गरीब आदमी हैं, अगर इतना पैसा होता तो कुछ बिजनेस करके बैठते, इधर नहीं आते। सही बात है, सही। तो इससे अच्छा है कि दिल्ली बम्बई जाए आदमी, थोड़ा 2-4 दिन वेस्ट करे उधर, और जाने के बाद में उधर काम अपना काम करे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सदाब भाई। जी सर। चलिए आप अपने बारे में बताइए, आप कतर में भी काम किए हैं ना? जी जी, कतर में। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप हो कहाँ से, कैसे इधर आए, कहाँ कहाँ? हम सभी एक ही जगह के हैं, वही हापुड़ से, यूपी गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, सराको में ही है हम। आप भी सराको में? जी, 8 साल हो गए सराको में ही, और अच्छी कंपनी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी सराको में था। सराको अच्छी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। उतार चढ़ाव तो आते रहते कंपनी में, ऐसे नहीं कि सारी कंपनी अच्छी होती है और सारी बुरी होती है, मगर हाँ ये सराको सही है, फिर भी सैलरी वगैरह सब टाइम पे है। सही बात है। जी जी, 1 तारीख से पहले ही दे देता है। हाँ जी जी जी, हमारी आज तक 8 साल में कभी लेट नहीं हुई सैलरी। तो इधर का एक्सपीरियंस बताओ आप अपना, कैसा लगता है इधर? सऊदी आने से पहले कैसा लगता था, अभी कैसा? बस सही है अल्हम्दुलिल्लाह, बस कंपनी अच्छी मिल जाती है कि सऊदी अरब में कपिल और इंडिया में वाइफ, घर वाली अच्छी मिल जाए तो लाइफ जो थोड़ी अच्छी कट जाती है। सही बस बात, सही बात तो ये है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया, मेरा कुछ दोस्त है जो हाउस ड्राइवर का काम करते हैं। जी जी, उनसे आप लोगों का जो मैं कंडीशन देखा वो लाख गुना अच्छा है भाई, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्री हो। देखो अभी पार्टी शार्टी की, हम लोग कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन हाउस ड्राइवर में जो लोग आते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है, बंधे हुए रहते हो लोग। वो ऐसा होता है कि वो घर का काम है, वो जिम्मेदारी है थोड़ा हमारे, एक ही 8 घंटे में तैनात रहनी है ड्यूटी पे, उसमें फ़र्क भी है। उनका क्या है, वो घर का काम एक जिम्मेदारी हो जाती है उन पे, जैसे उनके घर के आदमी है, ऐसे नहीं कि वो नौकर होता है या उन्होंने खरीद लिया, ऐसे नहीं, मगर यह है बाजी बाजी आदमी परेशान भी है, ऐसी बात नहीं घर की नौकरी में, और बाजी बाजी का बहुत अच्छा घर भी अच्छा है, फैमिली अच्छी है, और ये मानते हैं कि ये हमारा, ज़्यादातर ये सोचते हैं जो अच्छी सोच वाले आदमी है कि ये हमारा घर का मेम्बर ही है। सही बात, काम तो कभी भी आ जाते हैं और काम के लिए वो बुलाते भी हैं। कंपनी का ड्राइवर ये जॉब मतलब कैसे मिल सकता है फ्रेशर बंदों को, जो नया आना चाहता है वो लोग को? सराव को मैं तो फ्रेशर ड्राइवरी में नहीं लेता, रिटर्न ही लेता है, जो रिटर्नर है वही लोग को लेता है। जी जी जी। अच्छा, या फिर लोगों ने? हाँ, फ्रेशर लोगों को ड्राइवरी में बहुत कम, को कम बहुत, लेते हैं, बहुत 5% चांस होते हैं, कम लेते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा कोई अपना ही है इसमें सराकों में पुराना आदमी, अगर वो बुलाना चाहे तो फिर इसको कोई काम उसका हो सकता है, हो सकता है। ड्राइविंग कैसा है इधर? तो इसलिए ज़्यादा जो है रिटर्न आदमियों की मांग है इधर इसमें सराकों में। ड्राइविंग कैसा है इधर, इंडिया और इधर का अगर कंपेयर किया जाए?
देखिए ड्राइविंग के बारे में तो इधर मान्य के तौर पे इधर से ड्राइविंग सब नीचे है। अपने उधर जो है गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है, इधर तुम्हें बस कानून फॉलो करना है, यहाँ आसान है गाड़ी, यहाँ आसान है, कानून फॉलो करके चलोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे हमारे साथ के ऐसे ऐसे बंदे भी थे, कभी जिंदगी में उन्होंने इंडिया में स्टीयरिंग पे नहीं बैठे हैं, आज अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें 7-7 साल हो गए, 8-8 साल हो गए गाड़ी चलाते, कोई बात नहीं, अच्छे चला रहे हैं। चलो भाई बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब हमारे फहीम भाई से थोड़ा बात करेंगे। फहीम भाई साहब क्या हाल है? मैं रहने वाला यूपी जिला मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ठाकुर द्वारा। ओके, इधर क्या काम करते हो आप? इधर मैं इलेक्ट्रिशियन हाउस वायरिंग का काम करता हूँ। कैसा काम इधर और इंडिया का कंपेयर किया जाए? काम तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम ही है, बस थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ 3 फेज ज़्यादा है, अपना सिंगल फेज है खाली, बाकी काम की कोई मुश्किल नहीं, काम सेम ही है इंडिया जैसा यहाँ। बाकी भाई लोगों ने बताई है सऊदी में क्या क्या चल रहा है। नया बंदा कोई अगर इलेक्ट्रिकल का काम में बस थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बाकी तो यहाँ आदमी को आकर ट्रेनिंग दी जाती है, कितना भी सीखा हुआ क्यों ना हो थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल मेरे भी हो गए, 5वां चल गया है, वह लास्ट साल है, इसके बाद फिर अपना फाइनल जाने की सोच रहे हैं थोड़ा, अगर फिर कुछ करना है हाँ भाई जाकर अपना काम करना है ठाकुर द्वारे। चलो बहुत शुक्रिया। ओके भाई, अब बारी है हमारे अजमत भाई, आप बताओ अपने बारे में, आप किधर से हो? मैं इंडिया यूपी से, बिजनौर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर जी हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी में मुझे करीबन 10 से 11 साल हो चुके हैं। 10 से 11 साल जी? सराकों में? नहीं, सराकों में तो मुझे 5 साल हुए हैं, मगर मैं पहले बिलादिन कंपनी में था, बिलादिन ग्रुप में जी, जो मक्का में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेती है ना? जी जी हाँ, वो भी कंपनी अच्छी थी और ये भी माशाल्लाह अच्छी कंपनी है, जैसे कोरोना के टाइम में लोगों को परेशानी हुई है और सैलरी वगैरह की, अल्हम्दुलिल्लाह सराकों ने कोई भी सैलरी वगैरह नहीं रोकी और पूरा का पूरा पेमेंट दिया है लगभग, है ना, और अच्छे ही, मतलब सराको एक बेस्ट कंपनी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और बाकी और लोग तो बता ही दिया भाई लोगों ने जो भी है, सऊदी का एक्सपीरियंस किस तरह का है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है भाई, जो बात है अच्छा रहा ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी परेशानी नहीं हुई है, सराको बेस्ट कंपनी, और सऊदी में वैसे भी मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कुछ मेरा कुछ है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं, वो मैं देख रहा हूँ आप मिजाज के हो, हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बढ़िया रहा है एक्सपीरियंस, जो बात है 10 से 11 साल का हो गया ना यार। बाकी मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ यहाँ पे सराकों में, मेंटेनेंस का मेरा काम है, और काम उतना हार्ड नहीं, काम इतना हार्ड नहीं, मतलब नया बंदा जो आना चाहे उनको, नया बंदा आने के लिए करीबन करीबन अगर आपको काम, अगर नया कोई बंदा अगर हमारा जैसे व्यूअर आपको देख रहे हैं कोई आना चाहे तो वो मतलब थोड़ा बहुत काम आना चाहिए उसको, बाकी तो यहाँ एक्सपीरियंस हो ही जाता है जब आदमी काम करता रहता है, इस पर होता है हो ही जाता है जो भी है। बाकी ये है कि नए बंदे के लिए या पुराने बंदे के लिए कहीं भी नई जगह जाता है इंसान, थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, मगर उसको वो करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, ये नहीं कि हाँ भाई इतना काम मिल रहा है, पत्थर भी होता है ना, पड़ा पड़ा पत्थर भी मतलब भारी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बस। चलिए आगे इंशाल्लाह सऊदी में अच्छा टाइम गुजरा है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं एक चाहता हूँ कि लोग जो भी नए बंदे आए और अपना अच्छे से काम करें, और जिस भी कंपनी में आए मतलब वो मतलब अच्छा मतलब व्यवहार रखें अपना, बाकी सऊदी बढ़िया है, बेस्ट है मेरे लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सऊदी बेस्ट कंपनी, सऊदी अरबिया गुड कंपनी, सऊदी देती तो बहुत कुछ है पर छीनती सबसे ज़्यादा है। सऊदी में आने का पर्सनली मैं वीडियो में भी बोलता हूँ, जो मेरे को लगता है सबसे अच्छा क्या है खास करके मुसलमानों के लिए, भाई तुमको फ्री में उमरा करने के लिए मिल जाएगा, बाकी तुम दुबई जाओ कतर जाओ वहाँ पैसे तो मिल जाएंगे। नहीं नहीं सर जी, एक बात और भी है ना, अभी तुम कहीं भी देख लो इंडिया में, पूरे मुल्क में देख लो, छोड़ गए यहाँ को, ऐसे भी इंसान है कि जिनके पास दौलत की कमी नहीं है और इधर आने के लिए बेचैन है, वो तरसते हैं पर आ नहीं पाते हैं इधर भी। सही बात है। पर हमारी तुम्हारी जो बात है कि हम इधर काम के बहाने से आ भी जाते हैं, किस्मत है, है? और जाके हज उमरे के लिए भी चले जाते हैं, अल्लाह ताला बुलाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी भाई हैं जो रह रहे हैं इधर सऊदी अरब में, जिसने ना किया, जिस भाई ने उमरा ना किया तो उमरा तो कर ही ले, अल्लाह का नाम लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग दोनों नहीं बोलोगे क्या? और चाय तुम हमारी पियोगे तो इनकी फहीम भाई आप नहीं बोलोगे यार? थोड़ा सा बोल दो आप लोग, अपने कुछ भी बोल दो, क्या दिक्कत है? ये हमारे राहत बड़मिया है, कुछ बताओ। कितने साल से हो गए आपके? 3 साल हो गए। 3 साल, 3.5 साल हो गए मेरे साथ में ही आए थे। आप भी ड्राइवर है ना? हाँ।
तो कैसा लग रहा है इधर आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बढ़िया बेहतर है, जितना पैसा देती है उतना सब कुछ बहुत कुछ ले भी लेती है सऊदी, ऐसा कुछ नहीं है कि ना लेती बहुत है। कुछ में क्या समय ले रहा हम लोग जिंदगी जिंदगी ले ली, बच्चे दूर हैं, भाई दूर हैं, बहन दूर हैं, सब कुछ पूरा परिवार दूर है, अकेला रहता है इंसान और क्या बूझोगे। असल में एक बात और भी है ना हम लोगों की, जितना हम कहते हैं कि हम दो चार साल अच्छे दो चार साल लगा लें अच्छे दिन हो जाएंगे पैसे इकट्ठा कर लें करते 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 करते, करते, करते तो ये जो है जो हमारा अच्छा दिन है ये तो निकल ही रहा है असल पूछो तो। ये बात तो सच, जब किस्मत में है परदेश तो वतन को याद किया करना। ओ मेरी जान, जब किस्मत में है परदेश तो वतन को याद किया करना, और जहाँ हो बेदर्द आँख हिम्मा फरियाद किया करना। जबरदस्त शायरी भाई। फैयाज भाई आप भी थोड़ा कुछ बोल दो यार, आप अपने बारे में भी बता दो, ये हमारे फैयाज भाई है। फैयाज भाई थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, कहाँ से हैं आप? हम बिहार भोजपुर से हैं। भोजपुर से? ओके जी। इधर आप पहली बार आए इससे पहले भी? नहीं इससे पहले हम 6 साल यहाँ रह के गए, सराकों में पहली बार आए। पहली बार कैसा लग रहा सराको कंपनी? सराको माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ पे सब कुछ टाइम से सैलरी वगैरह। ड्यूटी कितना घंटा? ड्यूटी 8 घंटा लेती है, उसके बाद से जो होता है तो फिर ओवर टाइम हो जाता है हम लोगों का। नया बंदा लोगों को बुलाने आने के लिए कुछ बोलोगे? नए बंदे लोग के लिए कि अगर सराकों में आना है तो आप दिल्ली ऑफिस एक है आपको आस्था करके, आस्था कंसल्टिंग, हाँ आस्था कंसल्टिंग है, उससे आप लोग आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी मतलब ऑफिस है वहाँ, वहाँ से हमने अपना काम कराया, बहुत ही मतलब कि अच्छे लोग है। पैसा मेरा मतलब टिकट उकट होने के बाद वो लोग लिए, तो हम तो यही बोलेंगे कि अगर आना है तो दिल्ली ऑफिस है। फ्रेशर को देता है लोग चांस? नहीं फ्रेशर को तो नहीं, पूरा जितना है सब पुराने, हाँ गल्फ रिटर्न ही है, लाइसेंस चाहिए। तो यार आप लोगों ने सुना, मैंने सबका बारी बारी से फीडबैक लिया, आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो और कुछ बोलना है या वीडियो ख़त्म करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कभी हम लोग? हाँ इंशाल्लाह। तो बहरहाल इस वीडियो में मैं इतना ही बात कर रहा हूँ क्योंकि रात भी हो चुकी है सऊदी का टाइम में, 9 बजने जा रहा रात का, इसलिए देख रहे होंगे पीछे पूरा अंधेरा है, ये लाइट की वजह से इतना थोड़ा बहुत रोशनी आ रहा, पोल लाइट है। अगर परदेश में यार ना हो तो ज़िंदगी अधूरी है, इन यारों की बहुत बहुत मेहरबानी ने ये बुलाने पाए मेरे आप सब। यारों को होना भी बहुत लाइफ का हिस्सा है, अगर विदेश में यार दोस्त ना हो तो विदेश में 1 साल काटने भी भारी है, मेरा तो मानना ही है। सही बात है, क्योंकि फैमिली नहीं है ना, हमें फैमिली मेम्बर ही हैं सब, आप सब जितने भी हैं सब फैमिली मेम्बर ही हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहें। अच्छा उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हमने भी बहुत परेशानी झेली है यहाँ शुरू में आके, ऐसे नहीं सब कुछ एकदम ही मिल जाता है, बस सब खुश रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़। भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि लाइफ में यार का होना भी बहुत ज़रूरी है, ये तो अच्छी बात है कि हर किसी को अल्लाह ताला एक ऐसा यार दे, 2-4 यार ऐसे दे जो तुम्हारे सुख में क्या दुख में भी हर टाइम एनी टाइम खड़े रहे। हम तो चलो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, हम लोग भाइयों अच्छे से रहो सब लोग, जितने भी लोग काम कर रहे दुआ खैर में याद रखो। चलो अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।